हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक में जो बड़ी कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। काफ़ी सारी किस कंपनियां से जिसके रिजल्ट ये क्वार्टर में आने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कौन सी कंपनी से। दोस्तों, यहां पे ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आप नज़र रख सकते हो जो बड़ी कंपनी से उसके जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, और उसकी वजह से काफ़ी इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। जैसे कि बंधन बैंक लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट है 14 जनवरी यानी कल को, या इसके बाद है माइंडट्री लिमिटेड का भी फाइनेंशियल रिजल्ट कल को आ रहा है। उसके बाद टाटा स्टील है, इंडसइंड बैंक है, नेटवर्क 18 है, एनटीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये सारी कंपनीज़ की रिजल्ट कल आने वाले हैं, और इसकी वजह से हो सकता है इसमें काफ़ी सारा फ्लक्चुएसन आए, और जो भी डे ट्रेडर्स है उसको ये कंपनीज में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि कल इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आने की उम्मीद है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद अगर कोई कंपनी की बात करें तो टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेन नेटवर्क लिमिटेड एंड नर्सर एंड टूब्रो इन्फेटेक लिमिटेड, इसके रिजल्ट 15 जनवरी 2020 को आने वाले हैं। आप देख सकते हो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड एंड टेम्पलेट, ये सभी कंपनीज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, और इसकी वजह से हो सकता है रिजल्ट अच्छा आए तो ये एक प्लस साइड में चले जाए और पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए। और कोई कंपनी में अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, और इसकी वजह से ही जब भी ये रिजल्ट का डेट्स होता है उसके दिन अगर मार्केट टाइमिंग में आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद आता है तो दूसरे दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और रिज़ल्ट के हिसाब से फ्लक्चुएशन कैसा आता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।